आप सबका गोपाला जी का नमन। एक मिनट में तीन टोटके बता रहा हूं आपको, ये जीवन पलट सकते हैं आपका। और आप कहेंगे कि वास्तव में कुछ ना कुछ सार सत है जरूर इन टोटकों में। पिछले 40-45 वर्षों से मैं दे रहा हूं ये, मेरी मैगजीन्स आप देखें, पुरानी मेरी बुक्स आप देखें, कहीं ना कहीं उसमें इस टाइप की चीजें आपको मिलती चली जाएंगी, एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में, जो आज तक जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है, आप देखते रहते हैं जगह जगह इनको, मगर भूल जाते हैं इन चीजों को। इसलिए मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहला, समय आपका वेस्ट ना हो, सबसे पहला, अगर कभी कहीं किसी मंदिर में जाते हैं आप, आरती होती है, वहां भोग प्रसाद होता है, लोग बाग जो भक्त लोग हैं, देवता देवी देवताओं के दर्शन करते हैं, प्रसाद अर्पण करते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, अगर कभी कोई सिक्का चढ़ा रहा है, जनरली बहुत सारी ऐसे मंदिर होते हैं, भीड़ होती है बहुत वहां पे, आप देखते हैं सिक्के उछाल देते हैं, अगर कोई सिक्का उछल के देवी या देवता से टकरा के गिरे आपके पास, आप उसको तुरंत उठा लीजिए। ये समझिए कि ये वरदान है प्रभु का, ये आशीर्वाद है आपको, और ये बिल्कुल एक परम प्रसाद है, ये एक ऐसा प्रसाद है जो जीवन में पता नहीं क्या कर दे। इस सिक्के को आप घर ले आए और अपने पूजा में रख लें, आप देखें कि चिकन, आप देखें ये सिक्का कितना मिरेकुलस रिजल्ट्स देता है आपको। कभी किसी इंपॉर्टेंट काम से निकलते हैं, इस सिक्के को अपने साथ ले जाइए, रैप कर लीजिए किसी कपड़े में, अपने वैलेट में रख लीजिए, बहुत सारे लेडीज पर्स रखती हैं तो पर्स में रख लीजिए, आप देखिए कितना आपको मिरेकुलस रिजल्ट मिलेगा आपको। नंबर दो, कभी कहीं जा रहे हैं किसी काम से, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी इंपॉर्टेंट काम है, कहीं किसी वृक्ष के नीचे से जा रहे हैं आप, फलदार वृक्ष के नीचे से, और फल कोई पका हुआ आपके सामने गिर जाए, पीछे नहीं गिरे सामने गिरे आपके, आप उस फल को उठा लीजिए, जैसा भी है गंदा मिट्टी उट्टी साफ कर लीजिए, और उस फल को अगर खाने योग्य है तो आप उसको खा लीजिए, टेस्ट कर लीजिए, प्रसाद समझ के कर लीजिए। ये प्रसाद भी आपको ऐसा लगेगा कि कहीं कोई ब्रह्म प्रसाद है, ये कोई साधारण प्रसाद नहीं है, ये संकेत है विधि की तरफ से कि आपका कोई कार्य शुभ होने जा रहा है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और तीसरा तो बहुत ही बढ़िया टोटका है, मैं बता नहीं सकता कितने लोगों ने इसको अमल किया है, मगर ये जब फलीभूत होगा, जब ये अकस्मात हो, सडनली हो, ऑल ऑफ ए सडन हो, इंटेंशनली नहीं कि आप देखें इसकी वेट करें कि वो हो तब ये इंसिडेंट हो आप उसका फायदा उठाएं, ऐसा नहीं। लेकिन नेवला एक जानवर होता है, सब जानते हैं, अगर कहीं आप जा रहे हैं और आपके सामने से नेवला क्रॉस कर जाए, अगर कोई व्हीकल है, कोई ट्रेन पे है या कोई और किसी, अगर अपने किसी पर्सनल व्हीकल पे भी हैं और कहीं संभव है अगर नेवला दिखाई दे, तो जहां से नेवला पास हुआ है वहां से एक चुटकी मिट्टी आप उठा लें, ध्यान रखें कहां से पास हुआ हो, एक चुटकी मिट्टी उठा लें और इस चुटकी वाली मिट्टी को किसी पेपर में रैप करके पुड़िया बना लें, ये भी अपने प्रसाद स्वरूप आप घर में रख लें, अपने वैलेट में रख लें, कहीं किसी इंपॉर्टेंट काम में जाते हैं तो रखें। और इसको अगर और इफेक्टिव बनाना है, अगर समय है आपके पास, इस जो एक चुटकी मिट्टी मिली इसको घर ले आए, इसे किसी पात्र में रख लें आप, और उस पात्र में, उस बर्तन में दो अगरबत्ती जला लें आप, और जो भी अपने जप मंत्र हैं लक्ष्मी से संबंधित कोई भी मंत्र, उन मंत्रों का सतत आप जाप करें, और जब तक जाप करें जब तक अगरबत्ती बुझ नहीं जाती, मान लीजिए 10-15 मिनट जनरली बुझ जाती है अगरबत्ती, छोटी होती है अगरबत्ती वो जल्दी बुझ जाती है, तो ये भी बहुत अच्छा आपके लिए उपक्रम सिद्ध होगा। ये जो इसकी राख बत्ती है कुछ होती है बाहर क्यारी में, पेड़ में, गमले में कहीं डाल दीजिए, ये भी बड़ा ऐसा लगेगा आपको इस मिट्टी का प्रभाव, कि इसका ये संकेत मिला आपको विधि की तरफ से कि कहीं कुछ ना कुछ आपके जीवन में शुभ होने ही होने वाला है, इसका नाम था। देखिए, एक मिनट के तीन टोटके जीवन बदल सकते हैं आपको। ऐसे बहुत सारी चीजें देखनी है अगर आपको, तो गोपाला जो मोटिवेशनल वीडियोस में जाइए, नीचे लिंक मिल जाएगा, सैकड़ों आपको चीजों, हजारों चीजों आपको मिलती चली जाएंगी। बस एक रिक्वेस्ट होती है, अच्छा लगता है अगर तो लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज जरूर क्लिक कर दिया करें, आपको हमारे रेगुलर इस टाइप के अपडेट्स मिलने लगेंगे। थैंक यू दोस्त, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला।